कल बनाई थी सेवियां और दूध वाली सेवियां। दूध तो सारा ही इसके अंदर लग गया क्योंकि गाढ़ी होगी ना सेवियां, खोया खोए जैसी बन गई, मतलब काफी सारा। वैसे मैंने इसके अंदर दूध डाला था, 3 कटोरियों में मैंने अपना डाल लिया। और या अरे आप कितने आ, दोनों नीचे आओ, मैंने दोनों को सेवियां देनी है। नीचे आओ दोनों, इधर है लाइट का रिमोट। वो यार मीशो से मंगवाई लाइट है, उसका आएगी वीडियो। आरव पंगे ले रहा है उसके साथ, इसके साथ रिमोट भी मिलता है। आरव तूने भी नहाना है, मैंने भी नहाना है। चल बेटा वंश उधर चल, अपना सीढ़ियों पे चलो दोनों जने, सेवियां देती हूँ मैं। ये लो दोनों जने, अपनी अपनी कॉलियां पकड़ो। अरे पकड़ो वंश, पकड़। खा लेगा बेटा, इतनी जूठी तो नहीं छोड़ेगा। हाँ खा लो, जाओ सीढ़ियों पे बैठो। अरे बेटा ये लो, खाओगे कि मैं खिलाऊं? खा लो अपने फटाफट। टेस्टी है, सारी फिनिश कर अपने आप, मैं नहीं खा लूंगी, मेरे बहुत सारे काम में गए। खा लेती हूँ पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ हैशटैग लॉन्ग हेयर सीक्रेट अनलॉक्ड, मतलब लंबे बालों रखने का जो सीक्रेट होता है ना, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले आप मेरे बाल देख लो, बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए क्योंकि मम्मी के घर जाना है, बहुत सारी पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख पा रही, तो बालों का यही हाल होगा ना। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ का राइस रेंज, जिसमें आपको मिल जाएगा राइस हेयर ऑयल, राइस वाटर शैम्पू, राइस वाटर कंडीशनर। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी राइस हेयर ऑयल, जिसको मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। इसके अंदर है राइस ब्रैन और साथ साथ में है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑयल्स हैं जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। ये आपके ना डैमेज्ड बालों को अच्छी तरह से रिपेयर करता है, बाल को एकदम सॉफ्ट स्मूथ कर देता है। मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद आया, बाद में बहुत अच्छा टेक्सचर कर देता है। ब्रेकेज को कम करता है, रिड्यूस करता है स्प्लिट एंड्स को, बाल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड इसके अंदर है साथ साथ में सनफ्लावर ऑयल, आंवला एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, गुड़हल एक्सट्रैक्ट, सेसमे ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, विटामिन ई, बहुत कुछ इसके अंदर है जो आपके बालों को स्ट्रांग करता है। एंड अच्छी तरह से आप अपने बालों पर ऑयल अप्लाई कर लो। गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करते हो ना, तो आप पूरी की पूरी रेंज एक साथ ट्राई किया करो। जैसे मामाअर्थ का राइस हेयर ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ना, इसको मैं सारी रात रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मामाअर्थ का राइस वाटर शैम्पू एंड राइस वाटर कंडीशनर यूज़ करूँ। अच्छा आपको, चलो मैं फटाफट से अलमारी दिखाती हूँ। बोलने लगे मेरी अलमारी को दिखाई, कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ये सारे अरब के पापा के पजामे जो जिम में डालते हैं या फिर वैसे इधर उधर डालते हैं पजामे वगैरह, ठीक है। वैसे तो बेसिकली सारे जिम वाले पजामे हैं। ये हैं स्लीवलेस वाले टी शर्ट्स, जो एकदम स्लीवलेस जो जिम वेयर्स होते हैं सारे, उनके जिम वेयर्स हैं। ये हैं इनके निकरे, छोटी छोटी सी जो निकरे, ये अभी तो ये 2-3 अभी नई है, अभी जस्ट अभी हॉल शूट करके हटी हूँ मैं, कपड़ों वाला मीशो हॉल अभी डाल दूंगी मैं, देखती हूँ एडिट करके। एंड ये उनके कपड़े हैं सारे, और निकरे होगी, स्लीवलेस टी शर्ट्स होगी, और ये हो गए जिम वाले कपड़े, ठीक है। ये इधर सामान वगैरह हो गया, और इधर क्या पड़ा है, इधर अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, मतलब कच्चे हो गए, बनैन हो गए, और सॉक्स हो गई, उधर मास्क हो गए, हैंकीज हो गए, ठीक है। सब कुछ देख लो कितनी अच्छी तरह से मैंने सॉर्टेड करके रखा हुआ है। पति देव का भी कपड़े वो नहीं हुए अभी, और है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो सब कुछ सॉर्टेड है। हाँ जी ऐसे ही रखते हैं, हैंगर्स वगैरह पे नहीं रखते, बाद में जो भी जरूरत पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। ये जितनी आप ऊपर वाली टी शर्ट देख रहे हो ना, अभी मैं रख के हटी हूँ। ये मीशो का हॉल शूट किया हमने, तो 1, 2, 3, 4, 5 एक डाल के चल गए, एक उधर वाली अलमारी में पड़ी है स्लीवलेस वाली। टोटल 7 टी शर्ट थी इनकी इस बार मीशो के हॉल में, तो ये सारी इधर टी शर्ट्स पड़ी हैं, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट जो डेली वगैरह डालते हैं। इधर शर्ट्स पड़ी हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती हो अपने अकॉर्डिंग प्रेस वगैरह करवा लेते हैं। मैं तो भैया जोड़ जोड़ के रख देती हूँ यहाँ पे, प्रेस हम बाहर से ही करवाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको ज़रूरत पड़ता है अपना प्रेस जाके करवा लेते हैं, साथ वाले ही घर है, ठीक है। तो ये इनके शर्ट्स पड़ी हैं सारी, ये हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स, ये शर्ट्स वाला पूरा कॉर्नर हो गया, ये हो गया इनका पैंट वाला, फॉर्मल्स जो पैंट्स ट्राउजर्स होते हैं, वॉल्यूम कम करो, ये ट्राउजर्स का कॉर्नर हो गया, ये
जितने काम पे डालने ऑफिस पे डालने के लिए जितनी इनको ट्राउजर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे जरूरत पड़ती है अपने अकॉर्डिंग वो प्रेस करवा लेते हैं बाहर से। ठीक है, ये है फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स। जब वो धूप में बाहर जाते हैं ना तो फुल स्लीव्स के कपड़े डाल के जाते हैं, स्लीवलेस नहीं तो फिर स्लीवलेस मतलब हाफ स्लीव्स नहीं डालते, टैनिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स डाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तुम वॉल्यूम कम करोगे 2 मिनट? नहीं बेटा, थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लो, मैं जा रही हूँ कमरे से बाहर। नीचे है जीन्स, ये इनकी सारी इधर जीन्स पड़ी हैं, जो जनरली जीन्स होती हैं, ये पड़ी है हाफ जीन्स, व्हाट यू कॉल इट, कार्गो टाइप्स नहीं, मतलब हाफ जीन्स पड़ी हैं, फुल पूरे पैर की जीन्स पड़ी हैं, हाफ जीन्स पड़ी हैं यार, इतनी इतनी वाली, ये अभी अभी नई रखी है मैंने, ये देख लो इतनी इतनी वाली हाफ वाली, ये अभी जस्ट इसकी वीडियो अभी शूट हुई है तो ऊपर ऊपर रख दिया मैंने। मुझसे मैं जाने से पहले ना इनका सब कुछ शूट वगैरह करके जाऊँ, क्योंकि फिर शूट वगैरह वीडियो करके सारे कपड़े इनके सेट करके ही जाऊँ, 1 महीने के लिए जाना मैंने। दूर से दिखाती हूँ, ये ऐसे ही रखते हैं अपने कपड़े जोड़ के, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे अपना प्रेस करवा लेते हैं। तेल लगा लिया मैंने और पति देव की एंट्री होगी। मैंने नहीं लगाना तेल। हाँ तो अभी आपका मीशो हॉल शूट हो गया था। आपकी अलमारी दिखाइए मैंने सारी, आपकी अलमारी दिखाइए मैंने सारी। अब वीडियो में देखना, वीडियो में देखना, होगी काम, हो गया। देखा मैंने कितने अच्छी तरह से कपड़े रखे हुए हैं, सेटल करके पूरी सेटल की हुई है अपनी। कोई बंदा रख सकता है ऐसे, बताओ क्यों? ढंग से आओ पीछे। हाँ बोलो। मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने रखे हुए हैं कपड़े, ऐसे एक एक करके ये ऐसे फेंक देती है। मुझे पहले का क्यों नहीं शूट किया भाई हमने। चलो मैं जा रही हूँ मम्मा के घर, गाइस 1 महीने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? अलमारी सेट कर दी मैंने, जब मैं वापस आऊंगी ना तो मैं आपको जरूर शूट करके दिखाऊंगी कि बंदा कैसे अलमारी रखते हैं, ठीक है? सुन रहे हो? हाँ जी, आप देखना जैसी वापस आऊंगी ना जिस दिन, उस दिन मैं सबसे पहले शूट में घर में ना अलमारी खोल के करूंगी, फिर पता लगेगा कि कौन ऐसे करके फेंक देता है। नहीं पानी ठा ठा। चलो बाय, अब मेरे को अपना दूसरा काम करने दो, अब पता लगेगा, बहुत बनते हैं बेटा। गाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं यूज़ करने वाली हूँ मामर्थ का राइस वाटर शैम्पू। आपको पता है फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है ना आपके बालों को लंबा स्ट्रॉन्ग शाइन बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके ब्रेकेज भी बालों में से कम होती है, और जो कैरेटीन होता है ना एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है फ्रिजीनेस को। और जो राइस रेंज है ना उसके अंदर भी है हाइड्रोलाइज्ड वीट प्रोटीन जो आपके बालों को और ज़्यादा लंबा बनाता है। एंड आपको पता है राइस वाटर हैज़ बीन यूज्ड सिंस एजेस स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ द एशिया। एशिया में एक विलेज है हुआंग लुओ याओ करके, जहाँ पे लंबे और स्ट्रॉन्ग बाल हर औरतों के होते हैं क्योंकि वो अपने बालों में राइस वाटर यूज़ करती हैं। एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस विलेज को द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर विलेज का भी नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं ना याओज वुमेन की जो औरतें, सब के बाल 6 फीट के लंबे होते हैं और शाइनी होते हैं क्योंकि वो फर्मेंटेड राइस वाटर अपने बालों के ऊपर यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ मामाअर्थ ने लॉन्च की, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मामाअर्थ ने राइस वाटर शैम्पू और साथ साथ में राइस वाटर कंडीशनर भी लॉन्च किया है, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करो। राइस वाटर है इसके अंदर, साथ साथ में कैरेटीन है, स्प्लिटेंट्स को रिड्यूस करेगा, ब्रेकेज को कम करेगा, बालों को सॉफ्ट स्मूथ सिल्की करेगा। शैम्पू मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर एक्सेस वाटर को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कंडीशनर। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो मुझे पसंद आते ही हैं, मुझे सूट भी करते हैं, साथ साथ में जो इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है ना ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। जब भी मामाअर्थ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे ना ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देंगे एक ट्री के साथ जो मामाअर्थ ने प्लांट किया है। एंड बाय द ईयर 2025 मामाअर्थ ने एम किया है 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करना एज एन इनिशिएटिव, विच इज़ वेरी गुड। मामाअर्थ आपको पता है अवार्डेड है पीटा की तरफ से एज अ क्रुअल्टी फ्री। इनके प्रोडक्ट्स को बनाते समय कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाया गया। एंड आप मेरे बाल देख ही सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, मैंने कोई स्ट्रेटनिंग की कुछ नहीं किया, नेचुरली एयर ड्राई होने दिया और बालों में इतनी शाइन आ गई है और मुझे बाल मेरे इतने ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। आप इसको रेगुलर ट्राई करो, आपको ये रेंज काफ़ी पसंद आएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी गाइज, आप पूरी की पूरी रेंज ट्राई करो, ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर।
मेरा वाला कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ कर लेना, स्वाति 2021, आपको 20% का ऑफ मिलेगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे। मेरा वाला कूपन कोड सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट पे चलता है और आपका कहीं नहीं चलेगा। वैसे ये वाले प्रोडक्ट्स आपको मामाअर्थ की वेबसाइट, अमेज़न और नायका, आपको तीनों जगह पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। एंड अच्छा प्राइसेस वगैरह आप इनके देख लो, ऑयल का प्राइस है 399, बाकी 349 शैम्पू एंड कंडीशनर। गाइस मैं ना ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चन आते, इतने कमेंट्स आते, दी आप इतने कपड़ों का करती क्या हो? तो कई बार जो लहंगे होते हैं या कुछ भी होते हैं, मैं अपने कज़न वगैरह को दे देती हूँ। कई बार जो मैं यार इतना सोचती नहीं हूँ, मुझे जो चीज़ रखनी होती रख लेती हूँ, नहीं तो बाकी का मैं दे देती हूँ। ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना, मैंने जाना अपनी मम्मी के घर, पैकिंग वैकिंग चल रही है। ये जो साइड में मेरी अलमारी में एक पैकेट भर के कपड़े थे ना, सबको मैंने साइड कर दिया। मेरे को कोई टाइट है कुछ, मेरा मन नहीं है डालने का, या जो भी रीज़न है। ये तो दोनों ही ब्रांड नहीं हो जो मैं आपको दिखा रही है, मीशो वाली है रेड वाली, और जो व्हाइट वाला आउटफिट था ना वो फ्लिपकार्ट का था। दोनों मेरे को टाइट थे बट पसंद थे तो मैंने रिटर्न नहीं किया। अब ये कपड़े जाएंगे किसको? ये जाते हैं आंटी को, जो मेरे घर में काम करने के लिए आते हैं ना, आंटी हाउस हेल्पर। उनकी दो बेटियां, एक एट्थ में, एक सॉरी एक टेंथ में, एक ट्वेल्थ में है। तो दोनों को मैं दे देती हूँ, वो लोग कपड़े डाल लेते हैं, मेरी तो अलमारी में पड़े ही रहेंगे। ठीक है, इससे बेटर कि वो लोग डाल लें। कुछ दिन पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि एक जो आरव की मैडम है, वो उन्होंने पिंक कुर्ती डाली थी, वो मेरी मीशो की कुर्ती थी। भाई आप लोगों में से कितने लोगों ने पहचान लिया कि दी आरव की मैडम ने वो पिंक वाली कुर्ती कैसे डाली? तो जो आरव की मैडम है ना, वो आंटी की बेटी हैं, आंटी की दो बेटियां, उनमें से एक बेटी आरव को पढ़ाने के लिए आती है। तो इसलिए आप मोस्टली जो मेरा कपड़ा होगा ना, आप देखोगे कि आरव की मैडम डालती हैं। कई बार अगर मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँ, तो वैसे मैं नहीं शूट करती, बट बाय चांस अगर आप देख लो तो कन्फ्यूज़ मत किया हुआ करो, मैं आंटी को देती हूँ। आंटी की बेटी ही आरव की मैडम है, वो पढ़ाने के लिए आती हैं, तो इसलिए